जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अगर दुनिया में देखा जाए तो फ्रांस और इजराइल दो भारत के ऐसे मित्र हैं जो भारत के हर समय में साथ देते हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से भारत और फ्रांस के बीच में जो रिश्ते हैं बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। और दोस्तों, दोनों ही देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हैं। और ऐसे में आपने अक्सर देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देश आपस में मिलकर चलते हैं। और ऐसे में एक देश जो कहता है वही दूसरा देश भी मानता है, साथ ही समर्थन भी करता है। यूएनएससी के मामले में देखा होगा फ्रांस ने भारत का पूर्णतः समर्थन किया है और इसीलिए दोनों देशों का आज पूरी दुनिया पर प्रभाव काफी बड़े रूप से बढ़ चुका है। और अब दोस्तों, भारत के लिए फ्रांस एक बड़ा यहां पर काम करने जा रहा है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, हमने कई सारे वीडियो में ये बताया है कि भारत और फ्रांस के बीच में आने वाले समय में बहुत सारी तकनीकी क्षेत्र को लेकर डील्स हो सकती हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नौसेना के क्षेत्र में फ्रांस यहां पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। दोस्तों, यहां पर भारत भी चाहता है कि फ्रांस जैसा देश अगर हमारे साथ मिलकर काम करेगा तो चीन के मुकाबले हम अपनी नौसेना को और भी ज्यादा मजबूत बना पाएंगे। आपको पता है कि चीन की नौसेना अभी काफी ज्यादा मजबूत है और उसके पास नंबर्स के मुकाबले में सबमरीन बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत को यहां पर चीन की नौसेना से कम्पीट करने के लिए एक ऐसे साथी की जरूरत है जो कि भारत को कई सारी तकनीक दे सके। और आपको पता है कि फ्रांस के पास परमाणु पनडुब्बी मौजूद है और भारत के परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट में योगदान देने के लिए फ्रांस ने अपना हाथ भी बढ़ा दिया है। और दोस्तों, ऐसे में अगर भारत अपनी अनुमति दे देता है तो फ्रांस और भारत दोनों मिलकर भारत के लिए एक नई परमाणु पनडुब्बी को बना सकते हैं। बल्कि दोस्तों, यहां तक कहें कि फ्रांस यहां पर पूरी तकनीकी शेयर करने के लिए भी तैयार है और ऐसे में भारत की केवल हां कहने की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों, भारत SSN प्रोजेक्ट के अंदर बनाई जाने वाली पनडुब्बियों के लिए फ्रांस ने सेंसर, नेविगेशन सिस्टम और कई सारे महत्वपूर्ण तकनीकों को ऑफर किया है। और ऐसे में दोस्तों, भारत यहां पर इन पनडुब्बियों की मैन्युफैक्चरिंग में काफी जल्दी दिखा सकता है क्योंकि फ्रांस अपनी पूरी टेक्नोलॉजी यहां पर शेयर कर रहा है। और दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो हिंद महासागर भारत का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और इसके लिए भारत को अच्छी संख्या में पनडुब्बियों की जरूरत है। और इसी को देखते हुए भारत यहां पर कई सारी पनडुब्बियों को बनाना चाहता है, साथ ही भारत यहां पर फ्रांस के साथ मिलकर न्यूक्लियर पनडुब्बी को ईजाद करना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपनी पनडुब्बियां जो कि पुरानी है उनको भी अपग्रेड कर रहा है जो कि फ्रांस की मदद से की जाएंगी। और दोस्तों, इनमें कई सारी ऐसी तकनीकियों को मिलाया जाएगा जो कि पहले इनके पास नहीं थी और अब फ्रांस की मदद से इनको नई तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो फ्रांस हमारी पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार है, चाहे वह पनडुब्बी के मामले में हो या फिर हमारे AMCA के इंजन के मामले में। फ्रांस की तरफ से AMCA इंजन को लेकर भी कई सारे ऑफर दिए गए हैं लेकिन अभी तक भारत ने इसके लिए हाँ नहीं की है। वैसे दोस्तों, देखना यह है कि फ्रांस एक बार जब पूरी टेक्नोलॉजी और IP राइट देने को तैयार हो जाता है और ऐसे में दोस्तों भारत यहाँ पर अपने AMCA के इंजन को बनाकर तैयार कर सकता है। अब दोस्तों, देखना यह है कि भारत यहाँ पर न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने के लिए फ्रांस की मदद लेता है या फिर नहीं लेता है। लेकिन आगे आने वाले समय में भारत अपने AMCA के लिए इंजन बनाने की कोशिश करेगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तीन देशों को रखा गया है, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, जो कि भारत को अपनी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से इस तरह के ऑफर नहीं देखे गए हैं। और दोस्तों, हमने पहले आपको ये भी बताया था कि अगले साल की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर विजिट करने वाले हैं और ऐसे में देखना होगा कि यहां पर फ्रांस और भारत मिलकर कितनी डील्स को यहां पर साइन करते हैं। और यहां पर देखा जाए तो फ्रांस भारत की पूरी मदद करने को तैयार है और भारत फ्रांस मिलकर काफी बड़ी योजनाओं को यहां पर अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।